हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारे लेडी सॉक्स, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें गाजरी कलर की वूल ली है, 10 नंबर सलाई ली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगी। फंदे मैं सिंगल वूल से ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे ऐसे, और फंदे थोड़े से लूज डालने हैं। यहाँ पे हम इस तरह से 50 फंदे डाल के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये बड़ी चाहिए तो आप 5 फंदे बढ़ा लीजिए, छोटी चाहिए तो आप 5 फंदे कम कर लीजिए। तो छोटी और बड़ी दोनों आपकी बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फंदे ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 52 फंदे मैंने ले लिए हैं, 52 फंदे, और फंदे मैंने लूज डाले हैं। इस तरह से आपको फंदे चाहिए। और अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। और अगर ये सॉक्स आपको बड़ी चाहिए तो आप 5 फंदे बढ़ा लीजिए, छोटी चाहिए तो 5 फंदे कम कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, वूल को पीछे करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, वूल को आगे, 2 उल्टे, वूल को पीछे, 3 सीधे, 1 2 3, वूल को आगे, 2 उल्टे, वूल को पीछे, 3 सीधे। पूरी रो हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है, 2 उल्टे और 3 सीधे। ये देखिए पूरी कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। लास्ट में भी हमारे पास ये देखिए 2 फंदे उल्टे हैं। इसी तरीके से आपके फंदे होने चाहिए। ये देखिए अब हम यहाँ से पलट लेंगे। तो देखिए एक फंदा उतार लिया, एक हम सीधा बुनेंगे। जो उल्टे हैं वो उल्टी रो में हम इधर से सीधा बुनेंगे, वूल को इधर करेंगे। अब 3 उल्टे बुनेंगे, जो उधर से हमने सीधे बुने उनको हम इधर से उल्टा बना रहे हैं। वूल को पीछे, 2 सीधे और 3 उल्टे। दूसरी रो ऐसे ही हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए 2 सीधे, वूल को आगे, 3 उल्टे। ये रो हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम तीसरी रो पे हैं सीधे तरफ। तो यहां से अब हम एक फंदा उतारेंगे और एक ही उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए यहां से बुल को हम पीछे कर देंगे और जो 3 फंदे मैंने सीधे बुने हैं इस पे हम डिजाइन डालेंगे। जो तीसरा फंदा है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब हम वूल को ऐसे लपेट लेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुन देंगे। तो जो फंदा मैंने घटाया वो यहाँ पे जाली से बढ़ा लिया। वूल को अपने तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 और 2, वूल को पीछे कर देंगे। तीसरा फंदा जो है इन 2 फंदों के ऊपर से हम ऐसे गिरा देंगे नीचे को। अब देखिए एक सीधा इस पे हम लपेट लेंगे और दूसरा भी सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे जो फंदा घटा वो हमने बढ़ा दिया। अब उनको फिर से हम आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, तीसरा फंदा हम इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, एक फंदा सीधा, बुल को हम ऐसे लपेट लेंगे और यहाँ से ये फंदा सीधा। तो यहाँ पे 3 फंदे हो गए, बुल को आगे, 2 उल्टे, आप देखिए यहाँ पे तीसरा फंदा जो है उसको हमने ऐसे इसके ऊपर से निकाल दिया, एक फंदा सीधा बुना, एक बार ऐसे घुमाते हुए लपेट लिया, दूसरा फंदा सीधा। ये देखिए तो इसको रिपीट करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से पूरी रो बनाते हुए आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको उतार लेंगे और 2 फंदे ये सीधे इधर को बना लिए, भूल को अपने तरफ करेंगे। अब देखिए 3 उल्टे, ये देखिए 1 और ये जाली से जो बढ़ाया था वो भी उल्टा और इधर का उल्टा, बुल को आगे करेंगे। ये देखिए 2 सीधे और 3 उल्टे, ये देखिए ऐसे 2 सीधे, 3 उल्टे, ये देखिए
पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे, एक दो और तीन, तीन उल्टे दो सीधे। इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डिजाइन डल के कंप्लीट हो गए। अब दूसरी डिजाइन के लिए यहाँ से अब हम एक फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे। अब हम फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे ऐसे, ये देखिए, और दो उल्टे, तीन सीधे, एक दो तीन, दो उल्टे, पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए जाना है, तीन सीधे दो उल्टे। तो ये रो हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इधर से मैंने रो कंप्लीट कर ली ये वाली। अब देखिए हम पलट लेंगे और यहां से अब ये दो सीधे और तीन उल्टे, ये सेकेंड रो रिपीट कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग की जो सेकेंड रो है तरीका सेम है, हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे। ये देखिए दो सीधे बनाने के बाद तीन उल्टे, तो ये उल्टे तरफ से ये रो भी हम कंप्लीट करते हैं। उल्टे तरफ से रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए सीधे साइड आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से, ये देखिए यहाँ से दो फंदे उल्टे बुने, और देखिए थर्ड रो जो है वो उसको हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाई है। इसको हमने निकाल दिया, इसको एक फंदा सीधा एक लपेट लेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा। अब दो उल्टे और तीसरे फंदे को हम इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, एक सीधा इस पे लपेट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिब्बी डिब्बी सी बन के कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये रो कंप्लीट करेंगे और चौथी रो जो है इसकी चौथी रो स्टार्टिंग की तरह बनेगी, और इसी को हम रिपीट करते हुए यहाँ पे हम चार डिजाइन डालेंगे। दूसरी ये डल रही है तो सिर्फ ये रिपीट करते हुए जाना है आपको। तो हम इसमें बनाने के बाद आपको फिर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डिजाइन बना ली है। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन, तीन जगह ये डिजाइन ऐसी मैंने डाली है, तीन डिजाइन कंप्लीट है, चौथी डिजाइन इनकम्प्लीट है। तो ये मैंने देखिए यहाँ से ये बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इस रो में ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं करूंगी। अब यहाँ पे ये बॉर्डर में रखूंगी, तो इतना बॉर्डर रखूंगी मैं। यहाँ से अब उल्टा बनाऊंगी ऐसे, एक फंदा उतारा और देखिए तो पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे इस तरह से, देखिए। और उधर से भी हम इसको उल्टा ही उल्टा बुनेंगे। तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए पूरी रो मैंने उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ, इधर से भी हम पूरी रो उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए अब दोनों तरफ से हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है जब तक हमारी इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो देखिए इस तरह की यहाँ पे 24 या 25 गांठ स्टिच आ जाएंगी जब तक मैं ऐसे बनाऊंगी। फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए इधर से एक फंदा उतार लूंगी और एक सीधा बुन लूंगी भूल अपने तरफ, तीन उल्टे और दो सीधे। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे, और देखिए तीसरी रो है तो इस फंदे को हम ऐसे इसके ऊपर से निकाल देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पे ऐसे लपेट लेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे भूल अपने तरफ, दो उल्टे भूल इधर, और इस फंदे को हम ऐसे इसके ऊपर से निकाल देंगे, एक सीधा और एक ऐसे लपेट लेंगे, तो ये जो फंदा घटा वो बढ़ गया, और यहाँ पे ऐसे। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इधर से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए ऐसे दो सीधे और देखिए एक, और देखिए जाली वाला फंदा, दो और तीन, तीन उल्टे और दो सीधे। ये देखिए इन्हीं चार सलाइयों को रिपीट करते हुए हमें ये डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम देखिए इसके बराबर इतनी बना लेते हैं, एक दो तीन, तीन डिजाइन पूरी कंप्लीट की है मैंने ये। तो
तो हम यहाँ पे ये इनकम्प्लीट रह जाएगी, ये इतनी हाफ डल जाएगी। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस डिजाइन को भी पूरा कर लिया। तो यहाँ से 1 2 3 तीन ये इस तरह से डालिए, जैसे मैंने, देखिए 1 2 3 इस तरह से इसको बना के कंप्लीट किया। बराबर होना चाहिए, जितनी आप डिजाइन यहाँ डाल रहे हैं उतनी यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम उल्टे तरफ हैं, तो यहाँ से हम सभी फंदे बंद करेंगे, ऐसे 2 का 1 करते हुए पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए हम पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। तो देखिए ऊपर के साइड से हम ऐसे, पूरा हम ऐसे ही लास्ट तक सिल लेंगे। इसको ज्यादा टाइट करके नहीं, खींच के नहीं सिलना है आपको, मीडियम सिलते जाना है। इस तरह से यहां तक सिलने के बाद हम थोड़ा सा इसको अंदर के साइड ऐसे लेके आएंगे और यहां पे हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए इतना मैंने ये सिल दिया है। अब देखिए यहां से लेके ये देखिए, जितने में इजीली यहाँ से आपका पैर आ जाए उतना आपको खुला छोड़ना है। तो देखिए यहाँ से हम ये देखिए 1 2 3 4 और ये देखिए 4 डिजाइन को छोड़ के उसके बाद हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ 1 2 3 4 यहाँ से, और आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ से हम ऐसे ही इसको सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए इसको मिलाते हुए सिलना है आपको। अब देखिए इस साइड में भी हम ऐसे ही इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए ये देखिए इतना सिलने के बाद अब थोड़ा सा रह गया है, तो इसको हम राउंड में सिल देंगे ऐसे, यहां से देखिए ऐसे, ताकि यहाँ पे गोलाई अच्छी रहे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया और टाइट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम और अच्छे से टांक देंगे। ये देखिए